अरमेश से, अरमेश क्या कर रही हो? तस्वीर आप देखो मेरी तरफ, तस्वीर आपने कैप की है तो बांध लो ना। भला आज बड़ों के 20 और छोटों के सिर्फ आपके, मेरे और आपके दिए। सही, ये ग्रीनरी। अर्मिश ध्यान से, आज हम आए हुए हैं पाकिस्तान मोनूमेंट और मैं यहाँ पर आई हूँ 6 ईयर बाद। मैं आई थी जब तस्वीर पैदा हुई थी, तस्वीर साल की थी आई थिंक, तब मैं आई थी। तब ना एक्चुअली यहाँ पे ना खाने पीने की जगह नहीं होती थी बिल्कुल भी। अब तो यहाँ पे टॉक शॉप वगैरह बन गई है और वॉशरूम भी पहले नहीं था, था लेकिन टॉक शॉप नहीं थी यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलता था खाने के लिए। मुझे इसी वजह से ना फैसल मस्जिद और पाकिस्तान मोनूमेंट बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब तो फैसल मस्जिद के पास भी मिलना शुरू हो गई ये चीज़, क्योंकि बच्चों के वाले जो लोग हैं ना, जितनी मर्जी चीज़ें बेशक ले आओ घर से, बच्चे इरिटेट करना शुरू करते हैं चीज़ों के लिए। इसलिए हम दोबारा नहीं आए यहाँ पे मुड़ के। लेकिन इन दिनों ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुए थे ना प्रोग्राम्स वगैरह, तो फिर मुझे देख देख के फिर शौक चढ़ा के आवे कि पाकिस्तान मोनूमेंट चलते हैं। वो देखें गोल्डन आवर चल रहे हैं इस टाइम अकाश, सूरज ग्रूव होने वाला है, जगह बराए नमाज। क्या देखूं? तस्वीर यहाँ पे ना जो ये पाकिस्तान मोनूमेंट है ना, इसके एक एक ब्रिज के ऊपर ना हर सूबे के और नाम लिखे हुए हैं विद पॉपुलेशन, पिक्चर्स बनी हुई है कौन सा सूबा कैसा है और किसकी कितनी पॉपुलेशन है, इस तरीके से। बारिश में मुझे शादी से, शादी के बाद आए थे स्टार्टिंग में, तब मुझे आइडिया नहीं था कि इस्लामाबाद में कितनी ठंड होती है। हम ऑडिटोरियम में रुके थे तब, वो म्यूजियम था, सॉरी नेशनल, ये पाकिस्तान मोनूमेंट के म्यूजियम के अंदर बारिश शुरू हुई ना, तो सिंध में तो बारिश में नहाते थे। मैंने कहा से कहा मैंने नहाना है बारिश के, मैंने कहा सकते ये इस्लामाबाद की बारिश है, ये सिंध की बारिश नहीं है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, मैंने नहाना है। और न्यू न्यू शादी हुई थी, कपड़े भी शिफॉन के पहने हुए थे, और जब मैं बाहर आई, और जब एक दफा बाहर आ जाओ दोबारा अंदर भी नहीं जाने देते। चलेंगे अभी म्यूजियम, पता नहीं ओपन है कि नहीं है, ओपन है। अच्छा इधर पे तो झूले नहीं है, बाहर निकल कर झूले हैं, बाहर निकल के चलेंगे झूलों वाली साइड। इतनी तेज बारिश थी और मैं बाहर आ गई, इतनी ठंड लगी मुझे। फिर वकास ने पहना हुआ था कोट, उन्होंने अपना उतार के दिया, सही फिल्मी सीन था। बच्चे ऊपर चले गए हैं और मैं इनके पीछे जा रही हूँ। अरमिश पता नहीं कहाँ जा रही है। ये देखने में लगता है इतना क्लोज है, पर इतना दूर है ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ 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 के ऊपर जाऊँ। क्लोन उसे सेकंड करो, वो देखो तस्वीर तो डर के मारे। स्कूल में आते हैं वो इतने डरावने नहीं होते, ये डरावना है। अच्छा चलो एक आपको याद है जब आप आई थी? हाँ, बेन के ऊपर कब चढ़ी थी? ये वो नहीं है, कौन सी, क्यों? हाँ I-9 में, जीरो पॉइंट पे। यहाँ से सीन्स कितने प्यारे नजर आते हैं, 4 साल में यहाँ पे काम करके। अरमिश और तस्वीर को देखें कहाँ चले गए,
کراچی. سب سے پہلی نظر کراچی پہ پڑی ہے. لاہور, کراچی اور کون سی سٹی ہے یہ؟ کون مار کے گیا ہے جنید؟ یہ اسلام آباد. چاند وہ کون سی سٹی ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتا. پشاور ہوگا نہیں؟ اس کا مجھے نہیں پتا بھائی یہ کون سی سٹی ہے. اپنا سٹی کا مجھے پتا, یہ کراچی ہے, یہ اسلام آباد ہے, اور وہ لاہور ہے نا, لاہور میں مینار پاکستان ہے, یہ آئی تھنک پشاور ہوگا. کافی ہائٹ پہ ہم اس ٹائم. اسلام آباد کے ویوز ہوتے ہیں دیکھنے والے, تو صرف اتنے پیارے ویوز ہیں نا. نہیں اوپر نہیں بیٹھنا, نہیں آپ کھڑے ہو کے دیکھو بس, جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہی بہت ہے آپ کے لیے. وکاس بلاش کا بس ہر وقت کہتے ہیں ماما اٹھاتی نہیں ہے نا, ماما اٹھاتی نہیں ہے, ماما اٹھائے ماما پاپا تو پیار کرتے ہیں نا, پاپا اٹھائے نا. بلاش پاپا کیا کہہ رہے ہیں, ماما پیار نہیں کرتی؟ بلاش بلاش پاپا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں واقعی ہیلی کاپٹر جا رہا ہے. خیر دیکھیے آج کل کس کے میسیجز آتے ہیں, مجھے دیکھ کے موبائل جیب میں ڈال لیتے ہیں. میں بتانے والا ہوں جی. 7 بچوں, یار بچوں پلیز. نہیں میں نے کوئن چڑھا تھا, سیڑھی نیچے دوڑاؤ. آپ کو دیکھ کے ارمش بھی چڑھتی ہے اوپر. نہیں یہ بیک سائڈ ہے پاکستان مونومنٹ کی, وہ جو آپ کو میں نے دکھائے تھے نا پروونس وغیرہ ایسے بنے ہوئے, اس کے اوپر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے بیسیکلی, تو یہ اس کی بیک سائڈ ہے. اس طریقے سے گفٹ لگی ہوئی ہے بھائی, یہ ورکرس کے یوز کے لیے, ہم لوگوں کے لیے نہیں. کیا کر رہے ہو؟ میں اس کی ماما بننے کی کوئی بات نہیں, جب بیوی ریکارڈنگ کر رہی ہے ایسے ہی کرتا ہے. موٹی کیوں لگنے لگی؟ نہیں میں نے نا وہ لوز ڈریس پہنا ہوا اس لیے. تصویر کیا کر رہی ہو آپ؟ آؤ نا پوری فیملی کے لیتے ہیں. تصویر وہاں کھڑی ہو آپ, ادھر سے آئے گی, یہاں سے تو نہیں آئے گی, میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے. کیا ہے؟ ٹورسٹ آئے. پاکستانی لوگ ٹورسٹ کو ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ پیچھے وارنٹیاں بھی لگی تھی. ادھر چائنیز آئے گی, چائنیز آئی ہے. ہم دونوں اچھے لگتے ہیں. وہ بھی کہتے ہوں گے یہ پاکستانی ہے, پاکستانی. ہم لوگ ٹائم سے نکلے تھے پھر بھی بہت لیٹ ہو گئے, پتہ نہیں کیوں. وہ بس کہہ رہے ہیں اس والے ایریا کی نہیں بنائی تم نے. یہ میں نے اس والے ایریا کی اوپر چڑھتے ہوئے بنائی ہے, نہیں بنائی پتہ نہیں. اچھا یہ دیکھیں چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے. لیکن ریسٹورینٹ چلیں کچھ کھا پی لیتے ہیں, بھوک لگی ہے. یہیں سے ادھر چلیں, اس طرف چلتے ہیں. ارمیش فیڈر مجھے دے دو نا یار, میں بیگ میں رکھوں. بچے کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے ملنا ہے. یہ مجھے دے دو فیڈر, دو اٹھو. ارمیش ارمیش کیا ہو گیا, کیوں ڈر رہی ہو؟ میری جیب میں پڑے ہیں, پاپا پکڑا دیں گے پیچھے. آپ اپنے والیٹ سے دینا پیسے, وہ میں نے بیگ میں رکھے ہیں. جاؤ نا تصویر, پاپا بھی کھڑے ہوئے ہیں ساتھ. آپ جاؤ گی ترمیش بھی آ جائے گی. چیزیں لے لو, ماسک پہنا ہوا ہے انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہے. ارمیش چیزیں لے لو, جاؤ چیزیں لے لو, انکل سے لو نا جا کے.
जाओ शेक इन करके आओ, शेक इन नहीं किया अर्मिश ने तो। अर्मिश कहती है मैं नहीं करना। अर्मिश नहीं जा रही भाई। भला आज तुमको कैसे देख रहा है कंटिन्यूस। ओके जी, थैंक यू। दादाजी भी बैठे हैं, हम फातिमा जिन्ना भी। मुझे भी मां साथ आज तक उठाए भाई। क्या मैंने कहा मुझे नहीं साथ इन्होंने आज तक बिठाया। ये फ्लैग क्यों उतार रहे हैं? टाइम शाम को होगा तो उतार, तो शाम को उतार देते हैं। उतार देते हैं। अच्छा, क्लोज करने लगे। परचम कुशाई से तो आती है। परचम कुशाई किसी इवेंट पे होती है, फिर परचम लगा रहता है। नहीं नहीं, उतारते शाम में उतार दिया। रियली, ये क्यों नहीं खोला हुआ यार? म्यूजियम में जाना था मैंने, वो कहीं खड़ा तो हुआ है टिकट वगैरह देने के लिए। आए पूछते हैं, घर बंद है वो, देखो लॉक है। ये पाकिस्तान मोनूमेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनवाया था। अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या सदर इस्लामी जमहूरियत उन्होंने बनवाया, देख लें कितने अच्छे अच्छे काम करके गया है। जब आप जॉब कर नहीं आई कि हम टाइम से वापस आ जाएंगे, 3 बजे के हम आए हुए हैं, पर अब देखो टाइम, अब मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई है। इधर पे टॉयलेट वगैरह है, ये ना आज क्लोज है, अगर ये ओपन होता तो मैं आप लोगों को दिखाती। अंदर से म्यूजियम इतना प्यारा बना हुआ है ना। चलिए फिर कभी आएंगे। अच्छा, बाकी दिनों में खुला होता है, टाइमिंग क्या है? 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक हो गया, सब वापस जा रहे हैं, हम भी वापस जाने लगे हैं। कह रहे हैं कि मंडे को ऑफ होता है तो थोड़ा सा दिखा दो ना। अच्छा, इसके अंदर ना इस तरह के, ये तो यार यहाँ पे तो सिर्फ वो रखा हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, पालकी बग्गी वट एवर। पर अंदर ना से जितने भी हमारे लीडर्स हैं ना, उनके स्टैचू हैं बाकायदा, अल्लामा इकबाल, कायद अजम और लियाकत अली ख़ान सबके, तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना के, और कुछ सीन्स हैं उनके जो उनकी पिक्चर्स में से बनाए गए हैं, बाकायदा उनके मुजस्मे वगैरह बना के कहीं कुछ साइन कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरह से है सारा, तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। सारी याद ताज़ हो जाती है 1947 की और 1946, 23 मार्च। हम टक शॉप जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए बच्चों के लिए। अरविंद जी कहती है मामा वॉशरूम चली जाओ। अच्छा जी, अंदर से देखते हैं कैसी बनी हुई है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी इस टक शॉप में। फिर हमने पॉपकॉर्न वगैरह, जूसेस और आइसक्रीम वगैरह ली हैं, और चीज़ें ली हैं बच्चों ने, चॉकलेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पर कोई और रेस्टोरेंट वगैरह तो है नहीं, बस ये टक शॉप ही है। एक अंदर सैलून ही था रिकॉर्ड करना, तो मैंने इसलिए नहीं किया। ज्वेलरी वगैरह भी हैं और कुछ शो पीस हैं और डेकोरेशन पीसीज हैं, और मोनूमेंट कितना प्यारा लग रहा है अंधेरे में, वो देखें, वाओ, लाइट्स ऑन हो गई है, और जो पीछे पहाड़ और सूरज ग्रुप हो रहा है वो कितना प्यारा लग रहा है, वाओ। अब बस हम यहाँ से खा पी के ना चीज़ें, अब घर के लिए निकलेंगे, काफ़ी लेट हो गया। मुझे ठंड में वैसे भी अच्छी लगती है आइसक्रीम, मैं हॉस्टल में जब खाती थी तो बड़े मजा, सारी मेरी फ्रेंड्स कहती थी तुम सर्दी में खाती हो आइसक्रीम, में कहती थी मुझे फ्लू हुआ है ना इसलिए खा रही हूँ, खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा देख लेना। आप खाते हैं सर्दियों में आइसक्रीम? मैं खाती हूँ शिद्दत से, है ना। मुझे फीस्ट बहुत अच्छी लगती है। आप भी तो बहुत प्यारे हो ना। कितनी रात हो गई है ना। चलो जी, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान मोनूमेंट, और अल्लाह हाफिज़ आप लोगों को भी। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।